बस ये फायदा है कि अगर हम इसमें गिरेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। अच्छा उनका वेलकम कर रहे हैं। तो जिन जिन के पति ऐसे बोलते हैं ना शादी के बाद, वो कमेंट करके जरूर बताना। सर का रिप्लाई आया कि बुरी घटना याद थोड़ी होती है। झूले 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 झूले। तो ये गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 1 फरवरी और अभी हम लोग अपने रूम से निकल के बाहर आ गए जहाँ पे कल गाड़ियाँ लगी हुई थी, फंसी पड़ी है। ये है हमारे साथ लादे अच्छो जी झूले। फिर आज हम फील्ड में जाने की तैयारी पूरी हो गई, आज फाइनली हम लोगों की गाड़ी चली जाएगी। अभी अच्छे लोग मुझे लग रहा रास्ता देखने के लिए जाते नीचे, पर आज तो चली जाएगी है ना, आज तो कंफर्म है, आज निकल जाएगी। तो चलिए फिर आज अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुली आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो अभी आप हम लोग तो इन नज़ारों के मजे लेने पे लगे हुए, जब से बर्फ पड़ी उसके बाद भी ठंडा कम है क्योंकि धूप बहुत तेज लगी हुई है। ये देखो चीचम विलेज, और आज है हमारा फील्ड में जाने का 5वां दिन, तो आज भी चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, अगर स्नो लेपर्ड दिखा दो। तो अभी अच्छो लेके आ रहे हैं गाड़ी और हमको जाना है वहाँ गेट तक पैदल पैदल पैदल। सर और रोहित तो निकल गए, लादे अच्छो भी निकल गए, बची मैं भी दौड़ती हूँ। यहाँ पे दौड़ा नहीं जाता पता, सांस फूंक दिए। एक तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से, ऊपर से ठंडा इतना है। रोहित की भी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, पता नहीं शायद उसको सूट नहीं हो रहा मौसम, कैसे हेडेक सा हो रहा उसको भी, थोड़ा दिक्कत है आजकल, वो सुस्त पड़ा हुआ है कल से ही। साफ आसमान, ऊपर धूप, नीचे बर्फ और गाड़ी चलते हुए। बर्फ में गाड़ी इतनी फिसलती है ना, कल जिन अच्छों के साथ हम नीचे से आए थे, बाप रे हाथ, मतलब क्या ही बोलूँ, क्या एक्सपीरियंस था भाई। गाड़ी इधर, डर के मारे सारे अपने देवताओं को याद कर लिया मैंने। आज भी ऐसी हो रहा है। तो अच्छा हमारे लिए रास्ता बना रहे, देखो आगे से। हेलो, हम दोनों हैं सर, अभी धीरे धीरे आ रहे। चलो सामने आईबैक्स है हमारे, आईबैक्स दिखाते हैं आपको। क्या मैदान है ना, पूरे जूते सन गए बर्फ से। अच्छा कहाँ पहुंच गए, वो भी इतने सारे सामान के साथ। हम इतनी बर्फ में जा रहे हैं देखो, कि ऊपर भी आना है। बस ये फायदा है कि अगर हम इसमें गिरेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी, पर अगर अभी बोला जाएगी स्नो लेपर्ड ऊपर है फिर हमको चढ़ना पड़ेगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, बर्फ फाड़ना बहुत मुश्किल है। अरे पीछे को बैठते, पीछे को। तो अभी हम लोग पहुंच गए अपनी एक लोकेशन पे, यहाँ भी इन्होंने अपना कैमरा सेट कर दिया है। लादे भाई ने हमारे यहाँ पे पूरी जगह बना दी थी, देखो नीचे पूरी पहाड़ी है और उधर फोटो खींचनी है, और इधर सर ने भी तैयार कर दिया अपना कैमरा। हाँ तो अभी हमको देखो, हम लोग अभी हैं बीच रोड पे, हम लोग अपने फील्ड से आगे हैं। भाई साहब हालत ख़राब होगी, सोचो इतनी बर्फ़ में भी हमको इतनी गर्मी होगी ना, क्योंकि एक तो पैक हो रखे है और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एनर्जी इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है हमारी, बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बर्फ़ ना घुटने घुटने तक है, तो पैर निकालने में ही आधे ज़्यादा जान तो ऐसे निकल जा रही है। और अभी देखो डोजर यहाँ पे पूरा स्नो साफ करके चला गया है, ये देखो अब दिक्कत नहीं होगी गाड़ी वाड़ी जाने में ना। क्या हाल है मोटे? टफेस्ट ट्रैक कह सकते हो आप इसको, यहाँ से नीचे उतरना घुटने भर बर्फ में, और पूनम ने जो साथ दिया है ना, मैं तो साथ देने के लिए बनी हूँ ना। पूनम ने बहुत जबरदस्त साथ दिया, थैंक यू सो मच। और अभी तो आंखें भी नहीं खुल रही अंदर। हाँ। और घुटने घुटने तक नीचे पाँव जाम हो गए एकदम, गर्मी भी हो गई है क्योंकि डबल डबल लेयर डाली हुई है ना, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं स्नो लेपर्ड एक्सपेडिशन। यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ, और फिजिकली तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके साथ साथ मेंटली भी। और मैं भी आपको दिखाती हूँ सर, ये देखो सर भी धीरे धीरे पहुँच गए हैं यहाँ पे, एक ढलान दो ढलान फिर तीन ढलान सिंचे, और इतना गहरा गहरा बर्फ। हाँ सर ने अपने पैरों पे क्या लगाया है? क्रैम्पॉन, जूते के नीचे से लगाते हैं। हाँ जूते के नीचे से कील जैसी होती है तो बैलेंस बना देता है, तो सर भी पहुँचने ही वाले। मस्त से ट्रैक के बाद मस्त सा रेस्ट।
जान निकल गई? जान बगैर तुझसे पूछो जान कैसे निकलती है? कैसे? जैसे निकल रही है। भाई साहब, लोगों को देख के इजी लग रहा होगा बट चढ़ के देखो एक बार चढ़ के देखो, मजा नहीं आ जाएगा जिंदगी का तब कहना। पहले लेफ्ट पे बड़ा हाथ में है, फिर राइट आ गया। हाँ यार, एक तो बर्फ बहुत ज्यादा ना, पैरों के ना ये दर्द होने लग गए पता है, ये पीछे ये क्योंकि एनर्जी इतनी लग रही है पैर उठाने में ही, ऊपर से इतने लंबे लंबे शूज, बड़े बड़े हैवी शूज पहने हुए। अभी हम लोग देखो रोड पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी से जो वहाँ के कर्मचारी होंगे ना, तो वो यहाँ पे देखो रोड में अभी मिट्टी डालने आए ताकि ये स्लिप ना हो गाड़ी। इसमें क्या खिलाते हो? क्या खिलाते हो? बिस्किट, चाय, सत्तू? सत्तू अभी छुपा के रखो उसको, मजाक कर रहे सब के सब। तो हमें निकाल दिया गया है घर से बाहर, हम लोग हो गए हैं बेघर। बेघर होके कैसा लग रहा है? ये लाइफ आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक्सपीडिशन में जीने को मिलेगी, ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये लाइफ ना पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, इसके लिए आप में जुनून होना चाहिए। हम चारों बेघर होके, ये देखो ये है रोड अपनी, और रोड पर बैठ के आज खाना खा रहे। वाह, दिन का लंच चल रहा है हम लोगों का अभी, और लंच में है क्या? पराठा, राजमा दाल है, राजमा दाल भी और है, केक भी केक और केक चाय भी है। खाना खाने के बाद बर्फ से हाथ धोने इजी आसान है। हाँ, हाथ में ये देखो। ओहो, हाँ मैं बोल रहा हूँ सर्वाइवल की टेक्निक्स है ये, जब आपके पास पानी का अभाव हो और ऐसी कंडीशन में आप हो जहाँ पे आधी रोटी भी ऐसा लगता है ना, मतलब गजब। और एकदम साफ हो गया। हाँ हाँ, सारे कीटाणु घर में होते तो ठंडे पानी से जाते भी नहीं, चिकनाई है ना, बर्फ से एकदम साफ होगी चावल की। तो ऐसे ऐसे धोना है हाथ है। एक एक गिलास बर्फ भेज दे। तो अभी टाइम हो गए हैं 4:15 और हम लोग आजकल सुबह से शाम तक फील्ड में ही रहते, तो हम लोगों का फेस जब हम लोग वापस आएंगे ना एकदम फटा हुआ होगा। अभी से हमारी स्किन पूरी फटने लग गई है और हम लोग डार्क हो गए हैं। इनको देखना, बच्चों को देखना कहाँ खड़े हो रखे। हटो 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 हटो। ओहो हो, अभी बच्चों गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं। हैवी ड्राइवर, वही तो, कितने कितने फंसी हुई है गाड़ियां भाई साहब, जिगरा है यहाँ के लोगों के पास जिगरा। सूर्यास्त भी होने वाला है, बस ठंडा बहुत बढ़ गया है, हाथ बाहर निकालना मुश्किल है। शाम का वक्त ठंडा ठंडा, और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ आगे से ना, क्योंकि बर्फ पड़ गई है। बर्फ पड़ने से पहले जब गर्मियों के टाइम पे जब खेतों का हलवल लगा देते ना, उसके बाद जो गांव के लोग हैं वो अपनी याक को जंगलों में छोड़ देते हैं चरने के लिए, तो वो जंगलों में ही रहती है, बट जैसी बर्फबारी हुई तो सबके सब अपनी याक लेके नीचे आ गए हैं, क्योंकि अब जंगलों में मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए अब घर पे ही पालते हैं उनको। चले, ओ बाप रे, मारेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं, हमको देख के डर रहा है, नहीं आपको देख के डर रहा है। सारे याक जंगलों से आ गए, बाप रे उसके पैर में बर्फ देखना। अब इनको घर में ही पाला जाएगा जब तक स्नोफॉल है। तो जानवरों की लाइफ भी सोचो कितनी मुश्किल है यहाँ पे, बाप रे इतना भयंकर स्नोफॉल, घुटने घुटने तक बर्फ है,
और याक इस उसमें जंगलों में ही रहते हैं। अब जाके वो नीचे आ गए हैं, सबने अपने अपने याक छाटे होंगे और उसके बाद अपने घरों में लेके आ गए। ये वाला जो ऊपर जा रहे हैं सबके सब, ये जा रहे हैं यहाँ पे किब्बर विलेज में। तो पुल के इस साइड किब्बर विलेज है और पुल के ठीक आगे चिचम विलेज है और दोनों के बीच में है चिचम ब्रिज, हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। मैंने सिर्फ कैमरा खोलने के लिए ऐसे निकाला और हाथ ऐसे हो रखे हैं। स्ट्रीम ठंडा है, हद ठंडा है, बल लगाओ। अब हम सुबह से फील्ड में ही हैं, मतलब घर जाने का कोई सीन नहीं है। अभी जब अंधेरा होगा तब जाके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसी होती है वाइल्ड लाइफ की कुछ जर्नी बोल सकते हो आप। और जगह तो अपने उत्तराखंड में तो इतना बर्फ नहीं पड़ता है, और चोपता वगैरह पड़ता है तो उस टाइम पे वहाँ पे टूर नहीं होते। इस बार स्पीति बहुत भयंकर है, स्पीति भाई सोचो भगवान ने कैसे कैसे बनाई है हर चीज़ें, मैं तो सोच के हैरान हूँ। लेपर्ड हमने परसों देखा, लेपर्ड परसों पूरा बर्फ में सो रखा था, उसको कोई ठंडा नहीं। आईबैग्स देखो ठंडे में चल रहे हैं, ब्लू शिप देखो ठंडे में चल रहे हैं, याक देखो ठंडे में चल रहे हैं। जबकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ घास वगैरह कुछ नहीं है, पर जो जैसे पहाड़ी है ना, इनमें जो जड़े वगैरह या जड़ी बूटियाँ वैसी होती है ना, छोटी छोटी घास है तो उनको खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसलिए ये यहाँ जीवित रह पाते हैं। चलो ब्रिज में याक कितने सुंदर लग रहे हैं। उसमें कितनी गर्मी होगी सोचो ना, उसके पांव में बर्फ पूरी जमी हुई है। वही तो झूले झूले आए है ये याक के थोड़ा बीच वाले बच्चे। यहाँ गधों का साइज देखना कितना छोटा है। झूले 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 झूले। अभी शाम के हो गए हैं 6:15 और अभी हम लोग वापस आ गए हैं सबके सब। भाई साहब जबरदस्त ठंडा। और अभी मैं आपको याक दिखाती हूँ, इनको कितनी गर्मी हो रही है। याक को देखना, ये जंगल से घर आ गए हैं, अब इनके मालिक लोग इनको लेने आएंगे और कितना आधा आधा बर्फ में घुसे हुए। देखो इतनी इतनी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ। वो वाले देखना ठीक, मतलब उनके पैर तो दिखाई नहीं दे रहे। गाँव के रास्ते देखना कैसे जमे पड़े, ये देखो इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं जमा हुआ है उधर सारा। फिर भी रिस्क को क्यों लेना। ओहो हो पूरा जम गया ये तो, बच बच के जाना पड़ेगा इसमें। ब्लैक आईज ये देखो, याक बंद गई है, घरों से धुआं निकलने लग गया, मतलब आग जलने लग गई है। हाथ झड़ गए रे। ठंड से बचते हुए हम लोग पहुंच गए ठीक 6:00 अपने रूम पे, और मैंने फटाफट से वीडियो अपलोड कर दिया क्योंकि 2 दिन से वीडियो गया नहीं था, कुछ लाइट की वजह से कुछ नेटवर्क की वजह से। और ये व्लॉग देख रहे हैं, और यहाँ सत्तू का बन रहा है हलवा, और यहाँ लादे अच्छो हमारे बना रहे हैं सत्तू का हलवा। देखो बड़े टाइम बाद खाएंगे हम लोग। अभी हम लोग कितने सारे, राजीव सर हो गए, लाते अच्छो हो गए, और उधर दौड़जे अच्छो हो गए, इधर ये व्लॉग देख रहे हो, उधर अच्छे खुशबू आने लगी ना। और ये बन रहा है याक के घी में। गिर कैसे गया मेरे को समझ नहीं आ रहा, ढूंढने जाना पड़ेगा। बाहर में डाला हुआ था हलवा मेरा। थैंक यू। पता है कैसे बनाते हैं, इसमें आटे का हलवा भी बनाते हैं। आटे का? हाँ, जैसे यहाँ सत्तू का बनाते हैं ना, हाँ आटे का हलवा बनाते हैं, उसमें गुड़ भी डालते हैं। अब हम हलवा खाते हैं गर्मा गर्म, ठंडे के बाद गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल जाए ना, मौज ही आ जाती है भाई। तो हमारे ग्रुप में आज एक और मेंबर जुड़े हैं जिनका नाम है नोआम, जो आए हैं इजराइल से। तो देखो अच्छो उनका वेलकम कर रहे हैं खताक के साथ। हाइट देखो आए हैं। थैंक यू हाउ आर यू फीलिंग नोआम? वेरी गुड, फीलिंग वेल, वेरी फीलिंग ब्लेस्ड, दिस इज ब्लेस्ड बाय द हिमालयस, बाय द ट्रांस हिमालयस। थैंक यू। अभी बज गई रात के 9:30 और हम लोगों का खाना भी हो गया है, और अभी कल से हम लोग इधर वाले रूम पे सोना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। वहाँ पे जो आज हमारे क्या उनका नाम भूल ही गई मैं, नोआम
नोआम नोआम एक और मेंबर जुड़े हुए हैं इजराइल से हमारे साथ, तो वो 3 साल पहले यहाँ आए हुए ऑलरेडी, इस 3 साल बाद वापस आया फिर से इसी के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए। तो वो है उस रूम पे, हम लोग शेयर कर रहे वाला रूम सर के साथ। और अभी अभी पता है यहाँ पे ना मैं इनको याद दिला रही थी कि हम दोनों की जो सगाई की डेट है उसको 1 साल पूरा होने वाला है, तो मैं बोल रहा था कि ऐसी चीजें कौन याद रखता है। नहीं नहीं, इन्होंने पता क्या बोला कि अच्छा जनवरी है, मैंने कहा जनवरी चला गया भाई, फरवरी में हमारी डेट। उस पे इधर से सर का रिप्लाई आया है कि बुरी घटना है, याद थोड़ी होती है। मैम देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है, सर बोल रहे कि पूरी घटना याद नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये हमारे दूसरे भाई जी, और अभी हम लोग की यहाँ पे बुखारी जली है। तो जिन जिन के पति ऐसे बोलते हैं ना शादी के बाद, वो कमेंट करके जरूर बताना कि जो मेरे सामने यहाँ पे दो जेंट्स है वही ऐसे बोल रहे हैं या सबके सब बोलते हैं। आपकी खैर नहीं, आप ब्लॉग देखते ही फोन आ जाएगा, आप क्या बोल रहे थे। ऐसी ऐसी चल रही है यहाँ पे सीन हमारा। एक रूम में मजा आता है ना, ऐसे लग रहा है हॉस्टल लाइफ। हाँ, ये हमारे सुपर सीनियर और हम जूनियर अभी आए क्लास में। और अभी हमें उन्होंने क्या बोलता, हमको कितनी एज के लग रहे यार, वो बंदा बोलता है कि 35 साल के लग रहे हो तुम दोनों, मैं भी पूनम भी, बता देना कमेंट करके जरा 35 साल के लग रहे। तो आज हमारा इस चिचम विलेज में वैसे 5वां दिन है, पर आज हम लोगों को सिर्फ आईबैक्स मिले थे, आज हमको वो नहीं मिला, क्या बर्फीला भूत बोले तो स्नो लेपर्ड नहीं मिला। बहुत खोज मतलब चल रही थी उसकी, पर कहीं वो दिखाई नहीं, कहीं भी उसकी साइटिंग नहीं हुई। जितने भी हमारे स्कैनर भैया थे उन लोगों को भी नहीं मिला, बहुत टाइम लग गया मतलब सुबह से शाम तक, और हम लोग वहाँ पूरे जम गए थे भाई ठंडे में, क्योंकि आजकल हम लोग सुबह निकल जाते हैं और सीधा शाम को ही यहाँ रूम पे एंट्री लेते हैं, तो सोच सकते हो आप क्या हाल हो रहे होंगे हमारे। तो अभी हाल फिलहाल तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसे ही चल रहा है कुछ। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। हमारे आज हम 3 है, एक मेरा, एक इनका और एक सर का, द इटर्नली वाइल्ड। तो हम 3 का चैनल जरूर देखना, ठीक है। और सर की बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्री आएगी उसमें स्नो लेपर्ड को लेके, तो वहाँ देखना मत भूलना। वेलकम, तुम्हारी भी डॉक्यूमेंट्री आएगी। मेरी भी आएगी। ये मेरे को ऐसे लग रहा है, ऐसे सोचती है, मेरे को ऐसे ही ले लेती है मतलब ऐसी। अरे यार, यार नहीं नहीं, वो ना घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है ना। अपना व्लॉग शूट कर रही है, मुझे मुझसे बिस्तर लगवा देते मेरा वो। तभी तो बोली बात हो गई, सही में घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, जैसे सबके सब, तुम सबके सब मेरे को ऐसे ही लेते हल्के में। हाँ यार, हल्के में लेते थे, बट आज पूनम ने जो वेट उठा के ऐसे चढ़ी है ना बर्फ में आईबैक्स की तरह, ये मुझे ऐसे वो समझते हैं नाजुक वाली। समझते थे यार, अब मत बोल समझते करके, अब नहीं समझोगे। आई एम फ्रॉम पहाड़ बीरो बीरो। चलो बाय बाय।